जैसे कि आप सब जानते हैं नाज़रीन, आज 1 दिसंबर है। आज GHMC वोटिंग की शुरुआत हो गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस GHMC इलेक्शन के लिए अपना वोट दिए। सेंट फेस स्कूल शास्तीपुरम पर वोट देते हुए नजर आए। देखिए इसके कुछ झलके। हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर अब्दुल लतीफ की खास रिपोर्ट पेश है। SKM 91 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करे। ब्यूरो रिपोर्ट, SKM 91 न्यूज। अपनी पसंद का इजहार आज किया सामने से होगी। मैं आप तमाम के जरिए से लेफ्ट लेफ्ट का इस्तेमाल करें लेफ्ट हैदराबाद और खसूस पुराने शहर की तरक्की के लिए, उसकी तहजीब, सकाफत, उसकी जबान, उसके कंपोजिट कल्चर के लिए आप तमाम को निकल कर अपील कर रहा हूँ। कल्चर का इस्तेमाल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट का इस्तेमाल करिए। पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। पूरा यहाँ पर इंतजाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज रखा गया। हम उम्मीद करते हैं कि शाम 6 बजे तक हर हैदराबाद की वोटर आए दिनदे निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और इस जमहूरियत को और मजबूत करेंगे और उसे कामयाब करेंगे। लड़ाई से आपकी लड़ाई मेन लड़ाई किससे, TRS से या BJP से? 45% के आसपास पोलिंग लास्ट टाइम पोलिंग बहुत खराब है। हाँ, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये मैं इसलिए अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और पोलिंग परसेंटेज बढ़ना बेहद ज़रूरी है। अमूमन ये देखा जा रहा है कि पूरे मुल्क में जो शहरी इलाके अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज कम हो रहा है। इसलिए हम आवाम से, जनता से, राय दहने वालों से अपील कर रहे हैं कि आधे घंटा भी नहीं लगेगा आपको, निकलिए अपने के वोट का इस्तेमाल। सर, बैलेट पेपर पहली बार बैलेट पेपर बहुत दिनों के बाद यूज़ किया जा रहा है। बैलेट पेपर का यकीनन सही बोल रहे बसाज साहब। बैलेट पेपर काफ़ी वर्षों के बाद हैदराबाद में इसका इस्तेमाल हो रहा है। मगर बड़ा आसान है, आपको पेपर दिया जाएगा जहाँ पर आपकी पसंद का कैंडिडेट या पार्टी होगी, उसके बाद वो आपको स्टैम्प लगाना है और उसी तरह उसको फोल्ड करके आपको डाल देना है। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान। अपनी लड़ाई किससे इतना बड़ा आप इस चुनाव के लिए यूथ के लिए कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये यकीनन ये चुनाव तो मुस्तकबिल के लिए लड़ा जा रहा है ना, हैदराबाद के मुस्तकबिल के लिए, हैदराबाद के फ्यूचर के लिए। यूथ का तो फ्यूचर उन्हीं का है, तो जाहिर है उनको अपने फ्यूचर को तय करने के लिए निकल कर वोट डालना पड़ेगा। आपकी मेन लड़ाई किससे, TRS से या BJP से? किससे हमारी लड़ाई, आपकी मेन लड़ाई किससे इस चुनाव में? TRS से लड़ रहे हैं आप, BJP से? मेन आपकी पार्टी कौन है जिससे आप मुकाबले में हैं? इससे भी लड़ाई नहीं है हमारी। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो हैदराबाद को बदलना चाहते हैं। तो आप BJP की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं किसका भी नाम ले सकता हूँ ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसा बोलूंगा मैं? भाग्यनगर की बात उन्होंने की बदलने की? देखिए, आप ऐसा सवाल करके आप तो बच के निकल जाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, किसी को बोल नहीं सकते। सर, थोड़ा इंग्लिश में बोलिए।